नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इतिहास के पन्ने मेरी नजर में। कश्मीर की हाल की घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि प्रेजेंट और पास्ट या फिर वर्तमान और अतीत एक साथ चल रहे हैं। ये जो देजा वू की फीलिंग है वो तब महसूस होती है जब आप कश्मीर के इतिहास के कुछ पन्ने खोल लेंगे। मुझे यकीन है अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे या फिर जिस इतिहास को मैं दोहराऊंगा उस पर सोचेंगे तो आप भी मानेंगे कि भारत की समकालीन सरकार कम से कम अपने कश्मीर रिलेटेड पॉलिसीज़ के मामले में मुगल बादशाह अकबर या फिर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा या राजीव गांधी के फुटस्टेप्स पर चल रही है। बात शुरू करते हैं 16वीं शताब्दी के आखिर के कुछ दशकों की घटनाओं से। जो जीत अकबर के पिता हुमायूं या उनके दादा बाबर नहीं हासिल कर सके वो उन्होंने 1586 में कर लिया। उस समय कश्मीर में तकरीबन 100 साल पहले से पॉलिटिकल वायलेंस चल रहा था। इसके बावजूद बाबर और हुमायूं कश्मीर को मुगल साम्राज्य में पूरी तरह से फुल्ली इंटीग्रेट नहीं कर पाए। इस ऑब्जेक्टिव को अकबर ने अल्टीमेटली अचीव कर लिया। अकबर ने उतनी ही कोल्ड कैलकुलेशन और मिलिट्री माइट का डिस्प्ले किया जितना कि इस सरकार ने। अकबर कश्मीर का कॉन्क्वेस्ट लगभग 50 साल के लंबी मुगलों की कोशिशों के बाद कर सके। इस दौरान लगातार मैसेकर्स हुए और जान माल का खूब नुकसान हुआ। अकबर के भरोसेमंद सहयोगी अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी थी। इन्होंने भी माना था कि कश्मीर के टेकओवर के पीछे एक रिलेंटलेस सेंट्रलाइजिंग स्पिरिट था। तब में और अब में फर्क बस इतना है कि 16 सेंचुरी में एक बड़ा राजा छोटे राजा की रियासत को हड़प रहा था। अब केंद्र सरकार भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस और फेडरल कैरेक्टर को दरकिनार कर चुकी है। जम्मू कश्मीर से उसकी स्टेटहुड भी छीन लिया है और उसे यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया है। अबुल फजल ने लिखा था, इट इज एन ओल्ड रूल दैट व्हेन गुड इंटेंशन एंड चॉइस एक्शन मीट टुगेदर ऑलमाइटी गॉड grants him the easy realization of every wish that he may entertain. This book, वो अपनी किताब के बारे में बोल रहे थे, in some measure recites the fact of the conquest of this country. हालांकि अबू फजल ने किसी भी एट्रोसिटी का जिक्र नहीं किया, उन्होंने ये जरूर लिखा कि किस तरह से विकेड या फिर मूर्ख विपक्ष को बेअसर कर दिया गया। अकबर ने लोकल कोलैबोरेटर्स का इस्तेमाल किया, अपने बड़े मिलिट्री रिसोर्सेज को रेजिस्टेंस को क्रश करने के लिए इस्तेमाल किया। अबू फजल ने लिखा, सोल्जर्स प्रिवेल्ड ओवर एवरी हाउस एंड इन एवरी कॉर्नर देवर हॉट इनकाउंटर्स। अकबर ने कश्मीरी लोगों को बहुत नेगेटिवली पोर्ट्रेट किया, खास तौर से सुन्नी मेजोरिटी को। कश्मीरियों को नैरो माइंडेड कंजर्वेटिव्स कहा गया। अबुल फजल मानते थे कि द बेन ऑफ कश्मीर इज इट्स पीपल। देश तो ठीक है मगर वहां के लोग नहीं। कश्मीर की वादियों की खूबसूरती का तो कोई जवाब नहीं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां, झील, बाग, फल फूल, बस कमी तो वहां के लोगों में है। बादशाह अकबर ने कश्मीर पर तो कब्जा कर लिया मगर उसकी हैसियत एक डिस्ट्रिक्ट नुमा छोटे एंटिटी में रिड्यूस कर दिया और काबुल को उसकी राजधानी बना दिया। अब हम 16 सेंचुरी से फास्ट फॉरवर्ड टर्न करके 1953 की बात करते हैं।
अजीब इत्तेफाक है कि आज़ाद भारत में कश्मीर घाटी में पहला पॉलिटिकल क्राइम भी अगस्त महीने में ही हुआ था। जम्मू कश्मीर के निर्वाचित मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला को 8 अगस्त को बर्खास्त करके नेहरू सरकार ने जेल भेज दिया। कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस के अंतर्गत उन पे गहरे आरोप लगे। द पास्ट मैनिफेस्टिंग इन द प्रेजेंट का एक और उदाहरण संसद में शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया है। उस समय भी केंद्र सरकार के फैसले का व्यापक समर्थन हुआ था। 1964 में अल्टीमेटली नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया, लेकिन एक साल के अंदर नेहरू की मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री के सरकार ने शेख अब्दुल्ला को फिर से जेल में डाल दिया। इस बार वे 7 साल वहां रहे। जब उन्हें 1972 में रिहा किया गया, वो पूरी तरह से टूट चुके थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई भी डील करने के लिए तैयार थे। शेख अब्दुल्ला की डिसमिसल और गिरफ्तारी से कश्मीर में पॉलिटिकल स्ट्रगल और वायलेंस का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। अपने पॉपुलर लीडर के अरेस्ट की वजह से कश्मीर के लोगों के दिलों में एक डीप सेंस ऑफ एलिनेशन, परमानेंट सेंटिमेंट हो गया। मीडिया इस सेंटिमेंट को बिल्कुल नहीं समझ पाई। उस समय के टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल इस डिग्री ऑफ सेपरेशन को बिल्कुल साबित करता है। एडिटोरियल में टिप्पणी की गई थी, फॉर द फर्स्ट टाइम रियलिज्म इज अबाउट टू परवेड इन कश्मीर अफेयर्स। जनसंघ के नेता बहुत खुश थे। एक ने कहा, गॉड एंड नेचर मेड कश्मीर एंड इंडिया वन। स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस वुड मेक द प्रेजेंट यूनिटी रियल एंड ऑर्गेनिक। उन्होंने आगे कहा, एवरी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन मस्ट रैली ऑल नेशनलिस्ट फोर्सेज एंड फोर्ज अ यूनाइटेड फ्रंट इन ऑर्डर टू स्टैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर से याद दिला दूं, ये बातें अभी हाल के घटनाओं के ऊपर नहीं है, बल्कि 66 साल पहले की घटनाओं के बारे में है। एक बात कॉमन है, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बार एक नहीं, दो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अंडर डिटेंशन हैं और अनेक एक्टिव पॉलिटिशियंस भी। जम्मू कश्मीर स्टेट का बंटवारा भी कोई नया आइडिया नहीं है। जनसंघ ने भी शुरू से इस प्रपोजल को प्रमोट किया। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वो ट्राइफकेशन की बात करते थे और अब सिर्फ बाइफकेट किया गया है। 1953 से फिर से हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 1980 में इंदिरा गांधी री इलेक्ट होती हैं और कश्मीर में पॉलिटिकल मिसचीफ का सिलसिला शुरू हो जाता है। 1983 में असेंबली इलेक्शंस होते हैं और कांग्रेस सिचुएशन को कम्युनलाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। एज अ रिजल्ट कांग्रेस 75 में से 26 सीट जीत जाती है, मगर मुख्य तौर पर वैसी सीट जो हिंदू डोमिनेटेड, वो भी जम्मू रीजन में। एक साल के अंदर 2 जुलाई 1984 में कश्मीर का इंटीग्रेशन भारत में, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेसेस में कांग्रेस इंटरफियर करती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फारूक अब्दुल्ला के पार्टी में स्प्लिट करवा के उनके बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री के तौर पर इंस्टॉल करवा देती है। 3 साल बाद 1987 में फिर से चुनाव होते हैं। कश्मीर की जनता आज भी उस इलेक्शन को रिग्ड मानती है। बहुत नेता जिन्होंने ये चुनाव बहुत उम्मीदों के साथ लड़ा था, हार गए और गुस्से में सीमा पार चले गए। वहाँ उनको मदद में कोई कमी नहीं थी। इसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री एज दे से। तब सोचिए, क्या इस सरकार द्वारा हिंदुस्तान के मिडेवल पीरियड और उस समय के इतिहास का डेमोनाइजेशन, या फिर नेहरू इंदिरा और राजीव गांधी को नीचा दिखाने के पीछे कोई और पॉलिटिकल मकसद है? आज के लिए
बस इतना ही। नमस्कार। Thank you.